गाइस भी अभी कुछ कह रही है सुने। हाँ, अपना ख्याल रखना, अगर कोई साथ मिल जाए आदमी लड़का, हाँ, उसको चमाट नहीं मारना, उसको बोल मुस्कुरा के साइड में हो जाना, गाली दिल में देना और फिर साइड में हो जाना। परदेश में कौन बचाने आएगा, मेरी बच्ची में मार। तो गाइस मैं एयरपोर्ट आ गई, मैंने बोर्डिंग भी करवा ली है, अभी मैं वेट कर रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैंने सोचा कि मैं आज व्लॉग बनाऊं, तो कैसे हैं आप सब बताइएगा जरूर। नहीं, इतने टाइम तक मैंने व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए कुछ परेशान थी जिसकी वजह से व्लॉगिंग करना बंद कर दिया था, लेकिन खैर अब वापस से स्टार्ट किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, आप लोग सोच रहे हो इतना तैयार क्यों है, तो मैं अभी जा रही हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि मैं जा रही हूँ बैंकॉक। तो वहाँ जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊँ। अच्छा, तो बस अभी मैं सिर्फ घर से निकल रही हूँ क्योंकि मेरी 11 बजे की फ्लाइट है, और मैं थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम है रास्ते से, वो करूँगी, इसके बाद जो है वो मैं जाऊँगी एयरपोर्ट। तो फिर हम मिलेंगे एयरपोर्ट पर, ठीक है? अपना ख्याल, क्यों भाई ख्याल क्यों रखेंगे, मिल रही हूँ। 2000 years later. तो गाइज मैंने जो है वो बोर्डिंग करवा ली है, अभी मैं यहाँ पे बैठ के कुछ खाने के लिए आई हूँ बटलर्स कैफे में, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, तो मैं जल्दी आ गई थी। पता नहीं, वैसे एयरपोर्ट जल्दी आ जाती हूँ, हर जगह जल्दी नहीं जाती। क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है ना इसलिए। तो खैर अभी हम, मुझसे सबर ही नहीं हो रहा, बस कभी मैं पहुँच जाऊँ, है ना। लेकिन अभी पता है 4 घंटों का सफ़र है, मैं कैसे गुजारूँगी। हालांकि मैंने नेटफ्लिक्स पे इतनी सारी मूवीज़ वगैरह डाउनलोड की नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हो रहा है कि क्या करूँगी मैं, कैसे टाइम गुजरेगा, किसी से बात नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, कैद हो जाऊँगी मैं 4 घंटे के लिए। और जेल में रोज रमज़ानों में शैतान जब कैद हो जाता है ना, तो ऐसे ही मैं कैद होने वाली हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो। लेकिन खैर अभी हम, बस मैं बैठी हुई हूँ, हम बोलने की आदत हो गई है मेरी क्योंकि मैं मम्मा के साथ हर जगह जाती हूँ, पर अब मम्मा नहीं है मेरे साथ। तो खैर अभी हम आपको प्लेन में बैठ के अपडेट करेंगे। तो गाइस अभी मैं प्लेन में बैठ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं 4 घंटे ऐसी इधर ऐसे ऐसे बैठूंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा। और मतलब इतनी गंदी फ्लाइट है, ये इतना कंजस्टेड है, जगह ही नहीं बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे बिजनेस क्लास नहीं होती, एक ही क्लास होती है, था एयरलाइन में। कैसे गुजरेंगे मेरे 4 घंटे, मुझे तो यही टेंशन हो रही है। लेकिन क्या कोई बात, मैंने मूवीज तो डाउनलोड कर ली, लेकिन बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा मुझे यहाँ पे फॉर श्योर। ये कुछ बोल रही है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, कोई मुझे ट्रांसलेट करके बता सकते। मैंने चिकन लिया क्योंकि मुझे पता नहीं था इनके प्रॉन्स में कैसी स्मेल होगी या क्या होगी। पाकिस्तान में तो हम प्रॉन्स अच्छे से नहीं वॉश करती हैं, क्योंकि उसमें से स्मेल नहीं आती, वरना तो मैं ये नहीं खा सकती थी मैं, इसलिए मैंने चिकन ऑर्डर किया। तो गाइज मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ, और यहाँ पे मेरा ख्याल है बारिश हो रही है शायद, और ठंड लग रही है मुझे तो। खैर इतना लंबा चलना पड़ा क्योंकि वो हम आ रहे थे बहुत दूर से, क्योंकि इमिग्रेशन जो थी वो इनकी बहुत दूर थी, तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। अभी मैंने करवा ली है और अभी हम अंदर जाएंगे। सो अच्छा अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, मैंने सब कुछ करवा दिया है, अभी बस हम जाएंगे। पहले सबसे पहले मैं कौन सी जगह जाऊँगी ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगी अभी, ये हम आपको बाद में बताएँगे। फ़िलहाल बस अभी हम जा रहे हैं, और हाँ गाड़ी देखूँगी, फिर जहाँ जाऊँगी वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं कहाँ गई, बैंकॉक में मैं कौन सी सिटी गई, ये आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। अच्छा तो जो ये एयरपोर्ट है ना, वो इतना कोई ख़ास नहीं है, कराची जैसा ही है, मतलब कुछ दुबई का जो एयरपोर्ट है ना, मतलब उसके तो आसपास भी नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक उसके आसपास नहीं है, मतलब सही है, ठीक है, बड़ा है काफ़ी। इमिग्रेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, बहुत दूर जाके था, लेकिन खैर अभी मैं शायद सही से घूम ही नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है, सही है, सही है, इतना कोई ख़ास नहीं है।
पे भी दिखाती हूँ, देखें ये सारी हैं जगहें। ये है एयरपोर्ट, इतना खास नहीं है, बस सही है। चलो तो गाइज, ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी में आपकी बहन कोई चीज़ ना भूले, तो मैं वापस अपना लगेज भूल गई थी। अगर दुबई में मैं गई थी, जब भी मेरे साथ यही सीन हुआ था कि मैं अपना लगेज नहीं, वो तो लगेज आया नहीं था, ये लगेज मैं भूली हूँ बाकायदा, ठीक है ना। मतलब मुझे होश ही नहीं है कि मेरे साथ एक और भी लगेज है, मैं वो एक जो हैंड कैरी है उसी को लेकर घूम रही हूँ, मैं भूल गई मेरे पास लगेज भी है। तो खैर, बात सारी ये थी कि बहुत सारा मैं घूमी, उसकी वजह से इतना ज़्यादा मुझे चलना पड़ा। और फिर ये कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और मैंने फिर पूछा किसी को, मैंने कहा कि ये एयरपोर्ट इतना कोई ख़ास तो नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप जाएंगी वापस कराची की तरफ आएंगी तो फिर आपको दिखेगा बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह के शॉप्स भी हैं अंदर। तो खैर, फिर मैं एयरपोर्ट पे मेरा अपना लगेज ढूंढा, वो ढूंढने के बाद फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि वो क्या है, क्योंकि अभी से नहीं बताएँगे अपनी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे नहीं पता मेरा व्लॉग कैसा बना है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ, तो फॉर श्योर इतना खास नहीं बना हुआ होगा, लेकिन क्योंकि देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी बजा दें प्रेस कर दें, ताकि आपसे नई आने वाली वीडियो मिस ना हो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं अभी। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं घूमने आई हूँ, तो यू नो कितना मज़ा आएगा। तो बस फिर मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।